नगर निगम के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में चल रहे बजट सम्मेलन में उस समय भारी हंगामा मच गया जब कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन स्थल पर घुस गए और धक्का मुक्की के साथ झूमा झटकी तक करने लगे। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के लोगों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। इसके बाद महापौर मालिनी गौड़ अपने अन्य पार्षदों के साथ कांग्रेस नेताओं की अभद्रता के खिलाफ लसूड़िया थाने पहुंची और वहां धरने पर बैठ गई। कांग्रेस को सद्बुद्धि देने के लिए भजन शुरू कर दिए। उधर बजट सम्मेलन स्थल के बाहर नारेबाजी करने वाले पार्षदों को सभापति द्वारा निलंबित किए जाने की खबर है। बिना बहस के बहुमत के आधार पर बजट पास हो गया। सांसद शंकर लालवानी व विधायक महेंद्र हार्डिया ही लसूड़िया थाने पर पहुंचे। मेरा ये कहना है कि सदन में जो व्यवस्थाएं होती है उसका जो संचालन होता है उसका जो मुखिया होता है सभापति होता है। सभापति का दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है कि सदन में किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो और उस पर कंट्रोल किया जाए। सदन के अंदर किसको प्रवेश देना किसको प्रवेश नहीं देना ये जवाबदारी भी सदन के मुखिया की सभापति की होती है। कैसे बाहरी लोग अंदर आकर हंगामा करें ये भी उन्हीं का दायित्व था। जब उनके ही सदस्य उनका कहना नहीं मान रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद वो खुद ही हंगामे पे उतारू रहे, वही बजट पे बहस नहीं करना चाहते थे, बार बार वो हंगामा करके बजट बहुमत से पास किया जाए। तो ऐसे में पूरी व्यवस्था उनके कंट्रोल के बाहर हो गई, सभापति जी उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए इस तीन चीज़ों का सामना करें। कांग्रेस ने हंगामा व्यवस्था किसकी थी, जवाबदारी किसकी थी, सदन के अंदर की जवाबदारी किसकी है, कौन आदमी प्रवेश करेगा, ये अधिकार सभापति का होता है। कैसे अंदर आ गए वो लोग, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, वो क्यों नहीं उनको गेट पर रोका गया, क्यों अंदर आने दिया, ये सब सारी व्यवस्था है सभापति की थी। सभापति जी उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए, उन्हीं के सदस्य उनके कंट्रोल में नहीं थे, उनके कहने में नहीं थे, वो व्यवस्था दे रहे थे जब तक जगमन चालू कर। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भारत और न्यूजीलैंड का मैच है इसलिए भी आज ये तो उन लोगों का अपना सोच है। बजट जैसे गंभीर विषय पर अगर इस प्रकार बहुमत होते हुए भी अगर वो भागते हैं, बजट का सामना नहीं करना पाते तो जाओ, या जो संशोधन नहीं करवाना चाहते तो दुर्भाग्य। सदन का आज सीधे सीधे मजाक उड़ाया है कांग्रेसियों ने, क्या कारण? कांग्रेस ने मजाक नहीं उड़ाया है, मजाक तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उड़ा रहे हैं जो बजट में बहस करना ही चाहते हैं, वो रुकना ही चाहते हैं, वो व्यवस्था ही देना चाहते हैं, तो मजाक तो वो लोग उड़ा रहे हैं, गंभीरता उनमें नहीं है। उसे जो आज मतलब बगैर कोई इजाजत के व्यवस्था किसकी किसकी जवाबदारी भाई? सदन के अंदर कोई बाहरी व्यक्ति यदि प्रवेश करता है तो सदन की व्यवस्था की जिम्मेदारी सभापति की है, सभापति को कंट्रोल करना चाहिए कि बाहरी व्यक्ति कैसे आ गया। मतलब मानते हैं ना इन पर कार्रवाई होना चाहिए इन लोगों पर। क्यों क्यों कार्रवाई की, किस पर कार्रवाई की जाए? जो व्यवस्था जिन्होंने गेट में उनको प्रवेश दिया है उन पर कार्रवाई होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई। कांग्रेस की मांग क्या थी आखिर, आज क्यों आए, क्यों थे इतना? मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, बाहर क्या मांग थी, कौन लोग आए थे, मुझे जानकारी नहीं है। अंदर किस बात को लेकर हंगामा? अंदर बजट पे बहस ना हो, बजट पे चर्चा ना हो, ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गंभीर नहीं थे और वो सीधे सीधे बजट बहुमत के आधार पे पास करना चाह रहे थे, इसलिए वो चाहते किसी प्रकार एन गेन प्रकरण बजट पे हल्ला मचाए और बजट पास करके घर चले आए। आज जिस प्रकार की सदन की कार्यवाही हुई है, जिस प्रकार का प्रदर्शन कांग्रेस ने करा है, बहुत ही निंदनीय घटना के सदन की कार्यवाही जिस प्रकार से संसदीय परंपराओं से चलती है उसी प्रकार से चलना चाहिए। एक पार्षद को अगर अपनी समस्या हो अपनी समस्या सदन में उठा सकता है, लेकिन प्रदर्शन इस प्रकार से करना ये निंदनीय है। प्रदर्शन करने के लिए नगर निगम है, अन्य स्थान है, ये एक प्रजातंत्र में पार्षदों की पहली सीढ़ी सदन सबसे पहला सदन है और लगातार मैं भी 15 साल इस सदन का सदस्य रहा हूँ और इसी छोटे सदन से उठकर मैं देश के सर्वोच्च सदन में गया हूँ, तो इसमें संसदीय परंपरा को हम सबको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आज भी लोग झंडे लेके अंदर घुसे, बिल्कुल ये बहुत निंदनीय है, ये संसदीय परंपरा के खिलाफ़ है। कभी भी सदन में किसी भी पार्टी के कोई झंडे ले जाना संसदीय परंपराओं के खिलाफ है।